यहाँ तुलसी ने दशमुख की सभा का वर्णन किया। दशमुख की सभा कैसी है, उसका क्या लेजन सी है। दशमुख सभा देखे काफी जाई। अच्छा जी, तुलसी ने हनुमान जी महाराज की दृष्टि से सभा का निरीक्षण किया। अद्भुत सभा, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। रावण की सभा का क्या वर्णन करना सा। लोग लाइट लगा दिए तो उन्होंने सूर्य को टिका के रखा था, चंद्रमा को रखा था, सोम को, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, राहु, केतु, ऐसे, और सब लोग की नजर थी रावण की निगाह के ऊपर कि रावण को इशारा करे तो शनि महाराज भागता है, चलो किसको लड़ना है। कर जोरे सुर दिशा में बिरीता, दीवार के ऊपर सभी देवता को बिठाया, आपको नीचे नहीं बैठने का, नीचे हमारे लोग बैठेंगे, राक्षस। देवताओं को दीवार के ऊपर झड़ दिया था, कर जोरे, और सब देवता को कुछ नहीं करने का, हाथ जोड़ के रावण के सामने खड़ा रहने का। कर जोरे सुर दिशा पबिनीता, और नजर रावण के सामने रखने की, रावण बोले या ना बोले इशारा भी कर सकता है। ब्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, सिर्फ ब्रकुटी का विलाप होता है तो सभी ग्रह और देवता भयभीत हो जाते, थर थर थे। ऐसी अद्भुत सभा, मगर हनुमान जी महाराज जो आए और उसके मन में क्या था, कौन सा भाव था। तो इतना प्रतापी, इतना प्रभावी राजा, और हनुमान जी महाराज के ऊपर उस सभा का, उस राजा का क्या असर पड़ा। तो आचार्य तुलसी लिखते हैं कि देखी प्रतापन कपि मन शंका। अरे तू मोटा होगा तारे घेरे, मुझे क्या लेना देना साहब, तू कितना भी बड़ा है मुझे क्या लेना देना। हनुमान जी महाराज के मन के ऊपर लंका का, उनकी दरबार का, रावण की बड़ाई का कोई असर नहीं पड़ा। वो ऐसे बैठ गए, जिमी अहिगन महु गरुड़ असंका। जैसे हजारों सर्पों के बीच में गरुड़ आके बैठ जाता है, ऐसे बैठे अभयज के साथ। डरना किसको होता है फिर बाद में, हजार सर्प है बीच में आके गरुड़ बैठ जाए तो डरना सर्पों को होता है, गरुड़ को नहीं होता ऐसा। तो यहां आचार्य तुलसी कहते हैं कि ये बंदर कुछ लाफा न मार दे, कोई पूछड़ा न लगा दे, ये बंदर है क्या करे। तो सब लोग भयभीत है, जैसे गरुड़ के सामने वो छोटे छोटे सांप भयभीत होते हैं, ऐसे सर्पों की सभा में गरुड़ का बैठना, वैसे हनुमान जी यहां निर्भय होकर रावण की सभा में बैठे। और आचार्य तुलसी लिखते कभी मिलो की दशानन देशा कही दुर्बार, सुतवद सुरति किन्हीं पुनी उपजार रहिता, कहलंकेश कवन ते सीता कही के बलदान कही बल सीता, सीत्रो द्रवन सुने नहीं मोही देखो अति आतंक सत तोई, मारे निश्चर कही अपराधा कहु सत तोही न प्राण कही बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाल पाई जासु बल बिरच जाके बस बिरंजी हरि ईसा, पालत सुजत हर दस सीता जाबल सीस दरत सहसानन, अंध कोश समेत गिरि कानन रहे जो विविध ते सुर प्राता, तुम से सतन सिखावन दाता हर को दंड कठिन ते ही बंजा, तेही समेत नृप दल मद गंजा हर दूषण त्रिशिरा अरुबानी, बधे सकल अतुलित बल जानी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
बिहारी मंगल भवन अमंगल है जपत निरंतर शंभु। आचार्य तुलसी कहते हैं कि जिसकी रग रग में, जिसके रोम रोम में राम होते हैं, वो सदा सर्वदा निर्भय होते हैं। उसको कोई भी अवस्था हो, उसके हृदय में भय नहीं होता है। और भगवान की भक्ति का पहला लक्षण है निर्भयत्व। भगत है तो निर्भय होगा। कभी भी लोग की दशा, पहले सभाले की फिर राजा के साथ देखा, कभी भी लोग की दशा बिहसा कई दूर बाद। जब रावण के सामने कभी ने देखा, तब रावण ने उसके सामने देखा तो रावण को गुस्सा आया कि तेरी ये जुर्म, मेरे पुत्र को मार के मेरे दरबार में बैठा है, मौत के मुंह में बैठा है और मेरे से आंख मिलाता है, ये इगोइस्ट है। रावण को किसने मारा? इसके अहम ने मारा। मेरे सामने तू देखने नवार कौन? और उसको कपि को देखा तो याद आ गया, ये वही बंदर है, मेरे पुत्र को मार दिया। विषाद उत्पन्न हुआ, अपने पुत्र के प्रति अनुराग जागा, पुत्र का स्मरण हुआ। रावण बोला, कह लंकेश कवन दे किसा, तू कौन है? बढ़िया सवाल है। केहि के बल धाले ही बन चीसा, केहि के बल पे किसके ऑर्डर से, सॉरी किसके पावर से, किसकी ताकत से तूने ये सब किया? मेरे वन का नष्ट नाश कर दिया। हनुमान जी महाराज दो कान का प्रयोग करते हैं, यहां से आया ऐसे देखते रहे। कई बार हम किसी को बोलते हैं तब वो हमको इग्नोर करता है, वो कैसे पता करता है? हमको पता चलता है, सुनता तो सुन नहीं रहा, मेरी बात सुन करते हैं, वो सुनता है मगर ध्यान नहीं देता है। तो हमको उसको अटेंशन में लाने के लिए बोलना पड़ता है, ध्यान दे। हनुमान जी महाराज बोल, घिरो श्रवण सुने नहीं मोहे, हे बंदर तू मुझे सुनता क्यों नहीं है? देखे वो अति असंक सट तो ही, तू इतना अशंक, शंका से परे इस रावण के दरबार में कैसे बैठा? तुझे मालूम है तेरे साथ क्या होने वाला? तू रावण के दरबार में हो, भूल मत जाना। मुझे बताओ, मारे निश्चर के ही अपराध, हमारे राक्षसों ने आपका क्या गुनाह किया था? आपने उनको क्यों मारा? कहूं मारे निश्चर के ही अपराध, कहूं सब तो ही ना प्राण कहीं बाधा। और रावण कहते हैं कि तुझे मरने का भय नहीं, प्राण कहीं बाधा? तू लंका में है ये भूल गया, तूने अपने रावण के अंगरक्षक को मारा तो तुझे डर नहीं लगा कि रावण मुझे मार देगा? तुझे मौत की नहीं पड़ी है क्या? कहू सत तो ही न प्राण कहीं बाधा। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुन, बन विरचति माया। अब रावण के सामने हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, रावण तो इतना कुश्ती मत कर, जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानंद, अंड कोश समेत गिरी कामन। जिसके बल से अथवा जिसके बल के कारण ब्रह्मा बड़ी बड़ी सृष्टि की रचना करते हैं, समस्त ब्रह्मांड समूह की रचना करते हैं, वैसे भगवान राम सबका पालन पोषण करते हैं। हे रावण, देवों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के देह धारण करते हैं,
आप जैसे दुष्ट को तुम से सठन सत यानी दुष्ट सिखावनु दाता। आप जैसे दुष्ट को सजा देने या को सिखावन देने के लिए जिसका जन्म होता है हर को दंड कठिन यही पंजा, और जिन्हें जिन्होंने हर को दंड, हर यानी कि भगवान महादेव किससे दंडित करते हैं, धनुष शिव धनुष, तो जिन्होंने हर को दंड कठिन यही बन जा, भगवान शिव अपने शत्रु को जिससे दंड देते हैं ऐसे धनुष को जिन्होंने तोड़ा है, तेही समेत द्रुप दल मत गंजा, मात्र धनुष को नहीं तोड़ा है उस सभा में तू भी था, 10 मत्था और 20 हाथ लेके गया था मालूम तो भूल गया, और तनिक बार तू शिव धनुष को हिला नहीं पाया था, जिन्होंने ये इसको तोड़ दिया, खर दुष्यंत त्रिशिरा और बाली इनको जिन्होंने मार दिया, बधे सकल अतुलित बलशाली, हे रावण मेरा परिचय उस राम का मैं दास, मैंने अपने भगवान का परिचय दिया, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर जारी, तास दूत में जा करी हरियायु प्रिय नारी, जानहु मैं ही प्रभुताई सहस बात सन परी लड़ाई, समर बाल सन कर जस पावा सुनिका की बटन भी हसी की हरा, खायो फल प्रभु लागी भूखा अपिशो बाग ते तोरे उरूका, सबके देह परम प्रिय स्वामी मारही मोहि कुमार गदामी, जिन मोहि मारते में मारे तेही पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कही लाजा, जिन चाहूं निज प्रभु कर काजा, बिनती करूं जोरी कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखा, देखहु तुम निज कुल ही बिचारी ब्रह्म तरि बजहु भगत बयहारी, जाके डर अति काल डराई जो सुर असुर चरा चर गाई, कासो बड़ी कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जन की दीजे, मंगल पवन अमंगल दशरथ अजिर मंगल भवन अमंगल जपत निरंतर। हनुमान जी महाराज बुद्धिमता वरिष्ठम सबसे बुद्धिशाली, तो हनुमान जी की कोई भी क्रिया अपेक्षित हो सकती है, अनपेक्षित नहीं हो सकती, कहीं पर भी हनुमान जी महाराज ने उनका पूरा चरित्र देखे गलती नहीं की, हमें समझने में गलती की वो अलग बात है, बाकी हनुमान जी महाराज ने मति धीर और धैर्यवान भी है, बुद्धिमता वरिष्ठम मति धीर है, यह हनुमान जी ने कहा कि वो सब छोड़ जिसकी नारी को जाके बल लवलेस्ते जितेउ चराचर जारी, जासु दूत में जाकरी हरी लाय हरी आने हूं प्रिय नारी, तू जिसकी प्रिय नारी का हरण करके आया हूं उस राम का मैं दूत हूं, अब कुछ समझा, मगर रावण नहीं समझा। कई बार हमारे यहां संत भगवंत आके हमको समझाते मगर आदमी ऐसी टेढ़ी चीज है साहब, ये मानवी इतनी टेढ़ी चीज है कि वो समझने के लिए राजी नहीं,
हमारे यहाँ इंडिया में तंबाकू और गुटखा बिकता है या नहीं बिकता है? बिकता है, सब दो मुँह खाते हैं, आप क्यों मुँह मिलाते हैं? हमने खबर हो गई बाजू में है तो मोटू बंद है क्या चल गया? तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या रूल किया कि 60% से ज्यादा आपको लिखने का, सिगरेट है तो सिगरेट के ऊपर लिखने का कि कॉज ऑफ कैंसर, तंबाकू तंबाकू सड़ा हुआ मुंह का पीछे डालने का, मगर फिर भी सब लोग लेते हैं और खाते हैं। सिगरेट के ऊपर लिखा, यहां भी लिखा होता है ना, स्मोकिंग इज इंजरियस टू, इंजरियस टू डेंजरस टू हेल्थ, सिगरेट किल कॉज ऑफ कैंसर। तो ये हम सब जानते हैं मगर हम मानते नहीं।